पुत्री की हत्या का आरोप लगाकर की न्याय की मांग। स्योहारा। गत 9 अक्टूबर की शाम मोहल्ला बसंतगढ़ निवासी पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलकर मौत हो गई थी, जिसके शव को पीएम को भेजते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। इसी मामले में आज एक नया मोड़ आया है, जिसके तहत मृतका की मां शिला देवी पत्नी स्व राम सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपकर अपनी विधवा पुत्री पिंकी की हत्या का आरोप उसी के ससुरालियों पर लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष नरेंद्र गौड़ ने मामले की जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम आपका? मेरा सैम। कहाँ के रहने वाले हैं? नगी नगर। आज जो सिवारा थाने में आना हुआ है, बताएंगे कुछ? हाँ, सिवारा थाने में आए हम, जो है हमारी बहन जो है यहाँ की, इसमें बसंतगढ़ उसकी शादी को कोई लगभग 20 साल हो गए थे। अच्छा, तो ये जो है उनके साथ विवाद करते थे, उन्हें परेशान करते थे कि बच्चे नहीं उठते होंगे। अच्छा, तो इन्होंने उन्हें परेशान करा, इसलिए उन्होंने आगे अपना इन्होंने तो इनके ऐसे जुटा कि उन्हें फांसी दे दी, मतलब हत्या कर दी उनकी। अच्छा, आपको आशंका है? हाँ, आशंका है मेरे को। अच्छा, तो वो ऐसी पढ़ी लिखी लड़की थी, ऐसे नहीं था कि अनपढ़ हो। अच्छा, पढ़ी लिखी थी, वो सब पूछता कि जाग से इतनी है कि उन्होंने फांसी दी होगी। अब जो है उनकी लाश बिजनौर ले गए पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से रिपोर्ट आई कि वो मतलब आत्महत्या है। अच्छा, तो अब इस मामले में कुछ है? इस मामले में जी अब जो यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं हम, 306 का मुकदमा दायर कर दिया। अच्छा अच्छा, बस नहीं जेल भेज देंगे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? और हम तो ये आगे की मतलब कार्रवाई चाहते हैं।